इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव हिरासत में ले लिए गए हैं। उन पर लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप लगा है। उन्हें पटना के गांधी मैदान थाने ले जाया गया है। तो बड़ी खबर, पप्पू यादव को लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया गया, उन्हें गांधी मैदान थाने पुलिस ले गई है। ये सरकार से पूछे ना, उसमें हम क्या बोल सकते हैं भैया, अब ये ना इनसे पूछे ना कि क्या प्रॉब्लम हुई सरकार को, क्या नहीं हुई, हमको क्या पता भैया, ये इनसे ना पूछिएगा। बाहर जाने नहीं दे रहे थे, रोक दिया गया, बाधा मत पहुँचाइए, पहले रोक दिया गया। पुलिस अभिरक्षा में लॉकडाउन का उल्लंघन के कारण, लॉकडाउन उल्लंघन में इनको गिरफ्तार किया गया सर? बिल्कुल, बगैर परमिट के गाड़ी का प्रयोग कर भ्रमण करना। हमारे संवाददाता नीतीश चंद इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, पिछले दिनों राजीव प्रताप रूडी से के जो सांसद निधि से जो एम्बुलेंसेज निकाली गई थी, वो जो खड़ी थी एक जगह पार्किंग में, उसकी तस्वीरें दिखाई थी पप्पू यादव ने, उसके बाद अब ये हिरासत में उनका लिया जाना, क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन है? लॉकडाउन का उल्लंघन का आरोप ऐसे वक्त में जब लोगों की मदद करने के लिए वो निकल रहे हैं, कितना जायज़ कितना सही लगता है? देखिए, पप्पू यादव इस दूसरी लहर में लगातार सड़कों पर निकल रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, अस्पताल की खामियों को बता रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और इस तरह के जो वीडियोस हैं वो खुद जारी करते हैं। तो इसके बाद उनकी परेशानी जाहिर है प्रशासन के लिए भी थोड़ी बड़ी थी। और आपको याद होगा राजीव प्रताप रूढ़ी का मसला, जिस तरह से उन्होंने उठाया था, जिस तरह से वहाँ जो एम्बुलेंस से ढक के रखे गए थे उसको उन्होंने सामने लाया था, उसके बाद से निश्चित रूप से सरकार के लिए प्रशासन के लिए परेशानी बड़ी थी। इतने दिन तक पप्पू यादव घूमते रहे, उनको किसी ने नहीं रोका कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। और आज जब वो गांधी मैदान के आसपास जो पीएमसीएच का इलाका है वहाँ पहुँचे और वहाँ से वापस जब अपने आवास लौटे तो बुद्धा कॉलोनी थाने की पुलिस उनके घर पर पहुँच गई और ये कहने के लिए कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, आप जिन गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी इजाज़त नहीं ली है, लॉकडाउन में आपको घर में रहना है। और उसके बाद काफ़ी देर तक वहाँ पर दो तीन थानों की पुलिस वहाँ पर पहुँची रही, सीनियर अधिकारी पहुँचे और अभी थोड़ी देर पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको गांधी मैदान थाना ले जाया गया है। तो निश्चित रूप से सवाल जरूर उठेंगे, हालांकि पुलिस अपने नियमों का हवाला दे रही है कि लॉकडाउन, चलिए आप नजर बना के रखें नीतीश, के जो नियम है प्रावधान, बिल्कुल आप नजर बना कर रखें, हम आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी एनकाउंटर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही, पूरी डिटेल के साथ हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।